संस्कृति पर, कल्चर पर, देश के संविधान पर, देश के संघीय व्यवस्था पर, और सबसे ज्यादा देश के वसुधैव कुटुंबकम के नींव पर यह सबसे बड़ा चोट है। यह इसलिए है कि कोई भी फैसला इस देश में, हमारा जो भारत है वो राज्यों के सहमति से, राज्यों के विचार से, इस देश के करोड़ों लोगों के भावनाओं से हमारा भारत का नींव खड़ा हुआ है, ताकत बनी। पूरा का पूरा संविधान, संघीय व्यवस्था, सभी राज्यों के विचार विमर्श के बाद, सहमति के बाद, हमने एक सुंदर भारत का निर्माण किया। मुझे समझ में नहीं आता कि इन दोनों व्यक्ति को बुद्धि क्यों नहीं है, क्यों अहंकार में डिक्टेटर होते चले जा रहे हैं। कांग्रेस ने एक भूल की थी, आंध्र प्रदेश की जनता के साथ बिना राय शुमारी, बिना राय लिए उन्होंने बंटवारा किया था, उसका हस्त्र कांग्रेस ने दिखा। क्या बिना प्रदेश के किसी निर्णय, क्या कल आप बंगाल में भी केंद्र शासित राज कर देंगे? कल आप कोई सरकार मन में आएगा, गुजरात में भी हम केंद्र शासित राज कर देंगे? क्या राज्य की जनता के भावना, एक पंचायत में यदि एक छोटे पंचायतों का अधिकार छीना जाता है तो वहां लोग उग्र होते हैं, वहां लोग का विरोध होता है। आप एक दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो वह प्रदेश आपको अपना दुश्मन समझती है। आपने बगैर कश्मीरी से कश्मीर के बारे में राय लिए बगैर, क्या आप उसको लद्दाख के लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए थी? क्या ये केंद्र शासित राज्य संविधान के अनुच्छेद के खिलाफ नहीं है? फिर पार्लियामेंट और विधानसभा की और राज्यसभा की क्या जरूरत? फिर विपक्ष की क्या जरूरत? फिर विधानसभा की क्या जरूरत? जब कश्मीर में ना विधानसभा है ना कोई सरकार, तब आपने हमला किया है वहां के संस्कृति पर, वहां के फ्रीडम पर। मेरा मानना है जो लोग आज इस ख्वाबी पलों में हैं कि बिना विपक्ष के, बिना लोकसभा में राय किए, बिना राज्यसभा में राय किए, बिना कश्मीरी के भावनाओं, बिना जम्मू और लद्दाख के भावनाओं के विपरीत आपने केंद्र शासित राज्य की घोषणा की। लद्दाख को आपने गलत तरीके से कश्मीर से अलग किया। मुझे लगता है कि यह 1.25 करोड़ कश्मीरी को अविश्वास पैदा कर दिया आज कि भारत कश्मीरियों की भावना के साथ भारत की सरकार, भारत की डिक्टेटरशिप की सरकार, कोई भी सरकार आएगी तो कश्मीरी के साथ ना इंसाफी करेगा। आपने इस 1.25 करोड़ कश्मीरी को आपने चाइना, पाकिस्तान और अन्य देशों के तरफ देखने पर बाध नहीं कर दिया? क्या अब ये 1.25 करोड़ कश्मीरी भारत के किसी सरकार, किसी भारत के नेताओं पर, किसी मंदिर पर भरोसा करेगा?
क्यों नहीं आज पार्लियामेंट, राज्यसभा और विधानसभा को इस देश से खत्म कर देना चाहिए? जब विपक्ष का कोई रोल नहीं रहा पार्लियामेंट और राज्यसभा में, चर्चा का जब विषय नहीं रहा, जब विधानसभा के बगैर चर्चा के और बगैर किसी राज के जनता के चर्चा के केंद्र, यदि केंद्र शासित राज्य करता है, तो जन अधिकार पार्टी का मानना है कि इस हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी समाप्त हो गई, संवैधानिक और संघीय व्यवस्था पर चोट है, साथ साथ कल्चर को समाप्त किया गया है। इसीलिए सभा विपक्ष की अब कोई जरूरत नहीं है। मुख्य कानून सिर्फ दिख नहीं रहा, लेकिन डिक्टेटर सिर्फ, मुझे लगता है वो जो चोंग है वो एक राष्ट्रपति, डिक्टेटर राष्ट्रपति किंग जोंग, उत्तरी कोरिया जहां कोई डेमोक्रेसी नहीं, ये सबसे बड़ी बात। मेरा दूसरा डिमांड है, यदि आपको निर्णय लेना था तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को एक प्रदेश करना चाहिए, उस प्रदेश का नाम कझिल प्रदेश होना चाहिए, ताकि चेक एंड बैलेंस रहता। आप इसकी व्यापकता को करना था, एक बड़े स्टेट को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ जोड़ना चाहिए था, ना कि लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित राज बनाकर हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ कश्मीरियों के भीतर भारत के खिलाफ एक खौफ पैदा किया गया। तीसरा डिमांड, जो लोग यह कहते हैं कि हम होटल बना लेंगे, पड़ोसी में अमित शाह जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात में तो आप सुरक्षा दे नहीं पाते किसी को, और कल कोई आएगा और गुजरात को केंद्र शासित बना देगा, झारखंड बड़े जद्दोजहद के बाद इतना बड़ा राज बना और कल कोई केंद्र शासित राज बना दे। हम एक तरफ दिल्ली को केंद्र शासित राज खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और तीसरे तरफ बिना जनता के भावनाओं के आज संविधान को समाप्त करने की कोशिश की गई है। यह भारत के 1.25 करोड़ जनता के खिलाफ है, भारत के 1.25 करोड़ जनता के भावनाओं को खत्म किया गया है। इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा हम कब तक आप किसी चीजों को ताकत से, मिलिट्री से दबाइएगा, कब तक यह हुकूमत मिलिट्री ऐसे रूल पैदा करेगी, कौन जाएगा वहां इतने बड़े, जब पड़ोसी से किसी को नहीं बनता है तो एक व्यक्ति दूर जाके अपना घर बना लेता है, कौन जाएगा वहां इतने बड़े नफरत के बीच। पर आप राय शुमारी करते और सभी लोगों की राय लेते 370 पे, कौन आपको मना कर रहा था 370 पर राय लेने के लिए? आप लेते 370 पर? एक बातें होती, फिर हम सहमत होते विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, पहले एक सरकार को गठन होने देते और जम्मू कश्मीर की राय लेकर के हम 370 के तरीके को बदलते, देश हम सब लोग एक साथ खड़े होते। आपने तो समझाई नहीं कुछ किसी भी पक्ष को, मैं आप जो एक बड़ा विश्वास का संकट पैदा हुआ है इस भारत के भीतर, मुट्ठी भर नक्सली तो इनसे संभलता नहीं, और ये मिलिट्री के रूल के मुताबिक ये 1.25 करोड़ लोगों के भीतर नफरत पैदा करके
क्या भारत में एक विश्वास का माहौल पैदा करना चाहते? मैं अंत में इतना कह सकता हूं, भारत के जो कथा कथित दोगली राजनीति के प्रतीक बनते जा रहे हैं विपक्ष के नेता, धुरतई, गिव एंड टेक, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो लालू यादव के का आरजेडी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो जो भी दल है जो भारत के एकता और अखंडता की बात करता है, भारत के सेवरन की बात करता है, उनका चरित्र तीन तलाक से पहले से और अभी तक जिस तरीके का चरित्र देखा गया है दोगलई, खास तौर पर जो आतंकवाद कानून लाया गया कि किसी को गिरफ्तार कर लेना, कल ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कल कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया जाएगा, और उस बिल में जितना सपोर्ट किया गया इन भारत के धूर्त नेताओं के द्वारा, उसके बाद तीन तलाक में जिस तरीके से दोगला चरित्र देखा गया सदन के बाहर, आज उसी का देन है कि इस तरह की डिक्टेटरशिप के मिजाज को ताकत मिली है। माफी नहीं मिलेगा कभी नीतीश कुमार जी, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, आप माफी के जोग नहीं है शरद पवार। देश आप जैसे लोगों को गद्दार कहेगा। आपने हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों के साथ गद्दारी किया क्योंकि आपने विरोध करने की ताकत दी थी। इसीलिए आज पप्पू यादव को डर है कि भारत की जनता डर और भय के भीतर संशय की स्थिति में जीने पर मजबूर कर दिया इस वर्तमान की सरकार ने और दो व्यक्ति ने। यदि कुछ होता है भारत में इसकी पूरी जिम्मेदारी इस दोनों व्यक्ति की हो, पूरी जिम्मेदारी दोनों व्यक्ति की हो, ये सवाल है और यही सवाल देखा गया है आज। बसपा और ममता बनर्जी दोनों ने सपोर्ट कर दिया है केंद्र सरकार से, फिर विपक्ष की क्या जोर है? आपने पहले किसी सर्वदलीय कमेटी नहीं बुलाई सर, आपने कोई चर्चा नहीं किया। 1 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें उनके एजेंडा नंबर 1 में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग भी मौजूद थे, सर सदन में बात रखी जानी, ये आंतरिक रूप से बात रखना और बिना लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, बिना राज्य के जनता के चर्चा के बगैर सीधा केंद्र शासित प्रदेश की बात पप्पू यादव ने उठाया है। क्या कल बंगाल भी होगा? इसी डर से ममता बनर्जी ने सपोर्ट कर दिया बिल को। डर क्या है इन लोगों को? मेरा सवाल केंद्र शासित प्रदेश से है, मेरा सवाल लेह लद्दाख को अलग करने से है, मेरा सवाल 370 से नहीं है, मेरा सवाल तरीके पर है कि जब लोकसभा और राज्यसभा खुला हुआ था तो फिर विपक्ष से को सहमति में क्यों नहीं, और जब कश्मीर में विधानसभा नहीं था, सरकार नहीं थी, तो फिर जम्मू कश्मीर की जनता से राय सुमारी क्यों नहीं, चर्चा क्यों नहीं? वहां पर इंटरनेट सब बंद कर दिया गया भैया, ये चर्चा तो सालों भर से होती ना केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए। मेरा यहां सवाल है, मेरा सवाल 370 पर नहीं है, 370 सहमति के साथ हम अच्छा और खराब बदल सकते थे, मेरा सवाल यहां है। माने आप जो 370 सब हटाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि सहमति होना चाहिए तरीके, केंद्र शासित प्रदेश पर मेरा सख्त विरोध है।
उससे आपको क्या घाटा है यार, देश को क्या घाटा है सर? केंद्र शासित प्रदेश, संविधान और संघीय व्यवस्था पर चोट है सर। हमारा जो पलंबर है, हमारा जो सेवरन है संविधान का और संघीय ढांचा का, भारत बना ही है सर सभी स्टेट के सेवरन से। यह पप्पू यादव का कहना है सर। सर आप 10 नक्सली को आप संभाल नहीं पाए, 1.25 करोड़ कश्मीरी के बगैर कश्मीर की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? अमित शाह ने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने 1948 में समझौता किया, देश में भी तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार समझौता किया, लेकिन क्या उसको 70 वर्ष में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि उसके ऊपर हम विचार करें? सर समझ में नहीं आता, शायद अमित शाह जी को इसका कोई ज्ञान ही नहीं होगा। देश हमेशा जो दुनिया जिन कश्मीर के सवालों में उलझी हुई थी, हमेशा रायशुमारी करने की कोशिश भी देश ने किया है। हम देश को ऐसे नहीं ठोक सकते हैं। महात्मा गांधी के जगह तस्वीर लगाने के लिए हम उतावला नहीं है, देश पागल नहीं है। आपको आज जिनको भी यह सवाल हो पप्पू यादव का, यह टेप कर लिया जाए, यह देश के लिए संकट का समय है, विश्वसनीयता का संकट। और यह आज की घटना, लद्दाख को अलग करना बिना उसकी सहमति, कश्मीर के कश्मीरियों की सहमति के बगैर और विपक्ष को विश्वास में लिए बगैर, बिना सरकार के चर्चा के जो आज केंद्र शासित बनाया गया, आजीवन कश्मीरी के भीतर यह पैदा कर दिया गया कि भारत आपके साथ नहीं है। जिस दिन कश्मीरी पंडित कुमार के भगा रहा था उस दिन कहां पे पप्पू यादव सर? कश्मीरी चार कहां था उस दिन? तो कहा नहीं हुआ सवाल कश्मीरी पंडित का नहीं, मैंने पहले कहा। आप कह रहे हैं कि आपको सुनिए, वही भय तो पैदा हुआ। ये नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश का ये सवालों से क्या लेना देना? मेरा सवाल केंद्र शासित प्रदेश है, मेरा सवाल आप सबको बसाइए। लेकिन नफरत और डर और भय के भीतर जब पड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ नहीं रह सकता, ये राइफल बंदूक और मिलिट्री पर रखेंगे। अच्छा, इन्होंने भारत के 130 करोड़ लोगों को संकट में पैदा किया है। अच्छा पप्पू जी, तो क्या आप महबूबा मुफ्ती के साथ जाके कश्मीरियों को जगाएंगे केंद्र सरकार के खिलाफ? क्या आप कश्मीर में जाके वहाँ के जो नेता हैं उनके साथ मिलकर आप कश्मीरियों किसके खिलाफ जगाएंगे? क्या कश्मीरियों के खिलाफ जगाएंगे? क्या बात करते? मैं कह रहा हूँ केंद्र शासित, मैं कह रहा हूँ देश, मैं कह रहा हूँ संविधान, मैं कह रहा हूँ संघीय व्यवस्था, मैं कह रहा हूँ कल्चर, मैं कह रहा हूँ भविष्य, मैं कह रहा हूँ पप्पू यादव की जिम्मेदारी है बिहार की जनता, मैं कह रहा हूँ कुछ। पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, एक जनता तो हूँ, मेरा अधिकार बनता है। संविधान के खिलाफ और संघीय व्यवस्था के खिलाफ जब चोट होगा, यह सवाल खड़ा करने का, और यह पप्पू यादव का सवाल है। महबूबा मुफ्ती हो या कोई, नीतीश कुमार जी ने भी विरोध किया है, मिलेंगे उनसे आप? सर मेरा सीधा सवाल है, इस देश के एक एक विपक्ष को रिजाइन कर देने की जरूरत है। जब राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा नहीं तो फिर विपक्ष की क्या जरूरत? विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा को खत्म कर देने की जरूरत है, और एक कानून ले आइए, 7 साल 10 सालों तक चाइना के तरह एक ही राष्ट्रपति होगा, बस बात खत्म, फिनिश करिए, हटाइए मामले को, खत्म करिए। जो पत्रकार बंधु ऐसी सवाल करते हैं, वो आज तय कर लीजिए कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी समाप्त। अरे वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के गई हुई सरकार है। कौन? मोदी जी। और सर तो चर्चा कर लेते ना, ये कहिए ना कि सर सदन में विपक्ष की भूमिका चर्चा के लिए होती है, सदन में विपक्ष की भूमिका आम जनता की आवाज होती है। विपक्ष के नेता तय नहीं है आज तक कौन तय है भैया? आप बताइएगा,
कौन नेता है विपक्ष का? आप बताइएगा, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। सभी पार्टी के नेता अपने आप में विपक्ष की भूमिका निभाता है, इसमें मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है जनाब। तो पप्पू जी क्या करेंगे, कुछ करते रहे हैं पप्पू जी हर खिलाफ में। सर मेरा सवाल जो था, मेरी जो शंका थी, जो मेरा डर है कि 1.25 करोड़ लोगों को इन्होंने मजबूर कर दिया, भारत जैसे देश को लेकर, कि भारत की सरकार कभी भी हमें बलि का बकरा बना सकती, मार सकती। आप तो शांति प्रिय नेता हैं, तो आप कुछ करेंगे वहां जाकर? सर मैं तो सीधा सवाल है मेरा सवाल है कि देश के हर नेताओं को, हर उस लोगों को जो देश के प्रति आज गहरी चिंता है, जो देश को इस संकट से निकालना चाहता है, जो देश को यह विश्वास पैदा करेगा कि इस देश का हर राज का जनता इस देश का हिस्सा है, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती, उसके भीतर एक विश्वास पैदा करने की जरूरत है और इस तरह के डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़े होने की जरूरत। सर आप भी पूछ लीजिए।